मॉर्निंग बच्चों, मैं महिमा आज क्लास फिफ्थ की के टॉपिक को लेकर सामने आ रही हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पिछली कक्षा में आपको पिछली क्लास में मैंने आपको संज्ञा शब्दों के वचन सिखाए थे, यानी संज्ञा शब्दों के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन बनाना सिखाया था, जिसमें संज्ञा शब्द पुल्लिंग भी थे, स्त्रीलिंग भी थे और नपुंसकलिंग भी थे। आज इस क्लास में मैं बच्चों आपको सर्वनाम वचन सिखाने जा रही हूँ कि सर्वनाम शब्द जो हैं उनके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। और सर्वनाम शब्द जो हैं, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, वैसे ही सर्वनाम शब्द भी होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, उनके मैं वचन सिखाने जा रही हूँ। राइट, तो सबसे पहले हम टॉपिक का टॉपिक लिखते हैं। हम लिखते हैं बच्चों, सर्वनाम शब्द प्रयोग। सही, सर्वनाम वचन प्रयोग, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम वचन प्रयोग। ठीक है, वचन प्रयोग। अब वचन, जैसे मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि वचन कैसे कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। मैं पिछली कक्षा में भी बता चुकी थी, इस कक्षा में भी मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि वचन हमारे बच्चों कितने होते हैं। वचन, वचन हमारे होते हैं एक वचन, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ओके, अब ये तीन होते हैं। अब आपको मैं सिखा रही हूं सर्वनाम वचन प्रयोग, सर्वनाम के वचनों को बनाना। अब सबसे पहले सर्वनाम सीखने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि सर्वनाम, ये हमें जानना पड़ेगा कि सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम, सर्वनाम बच्चों किसे कहते हैं, संज्ञा के, सभी जानते होंगे हिंदी और संस्कृत में एक समान चीज है ये, और क्लास फिफ्थ और सिक्स के बच्चे बहुत अच्छी तरह से बच्चे ये जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा दे रही हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, आप देखिए, जैसे अगर हम बोलते हैं कि बालक खेल रहा है, हम देखिए बालक खेल रहा है, और फिर अगर हमें इसके बारे में, उस बालक के बारे में हमें और कुछ कहना होता है, तो हम बार बार बालक नहीं कहते हैं। जैसे हम सपोज कह रहे हैं कि बालक अभी खेल रहा है, बालक अभी खेलने के बाद घर जाएगा, फिर बालक खाना खाएगा, फिर खाना खा करके वह सो जाएगा। हम बार बार बालक बालक नहीं करते, हम क्या कहते हैं, एक बार हम बोलते हैं कि बालक खेल रहा है, वह, है ना, वह क्या करेगा, वह घर जाएगा और घर जाकर खाना खाकर वह फिर सो जाएगा। तो हमने संज्ञा बालक की जगह हमने क्या लगाया, हमने लगाया वह। बालक की जगह बच्चों हमने क्या लगाया, वह लगाया। तो वह और भी हम बहुत सारी चीजें लगाते हैं, और तो वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों, वह को हम बोलते हैं संस्कृत में सः। संस्कृत में हम बोलते हैं सः, है ना। और ये हम पहले आपको हिंदी में ही सिखा देते हैं ताकि आपको वह
और वह को संस्कृत, वह को बोलते हैं सः। ठीक है, अब बहुत जगह कि बालक खेल रहा है, अगर हम क्वेश्चन किया जाए, कोई क्वेश्चन पूछे तो कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, किम, है ना, कौन, कौन मतलब किम। तो हमारा ये भी क्या बना बच्चों, सर्वनाम बना, राइट। और देखो हम बोले आपको, और हम बोलते हैं कि वहां जो बालक, वहां जो बालक खेल रहा है, या जो जो बालक, जो बालक, तो हमने क्या लगाया, जो लगाया, और जो के लिए बच्चों क्या होता है, हम जो के लिए यद लगाते हैं। इससे पहले और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, जैसे यह एक किताब है, यह, 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 तो मतलब यह भी, यह एक किताब है, तो यह किताब, यह किताब, तो यह के लिए बच्चों ये यह शब्द जो बने क्या बनेगा, ये भी सर्वनाम बनेगा, है ना। और सर्वनाम को क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं एषः, है ना, एक सर्वनाम क्या बोलते हैं एषः, और एक बोलते हैं, सॉरी एषः नहीं बोलते, सॉरी ये बोलते हैं इदम्, ये बोला जाता है एतत्। पहला, सबसे पहले यह के लिए क्या लगाते हैं हम, एक आता है हमारे लिए एतत्, और दूसरा आता है बच्चे, दूसरा हमारे पास क्या आता है, इदम्। इन यह के लिए दो शब्द हमारे पास आते हैं, क्या आता है, यह के लिए एक आता है एतत् और एक आता है इदम्, राइट। और हमारे जैसे वह, कौन, कौन, यह, और हमारे और भी बच्चे कोई होते हैं, जैसे हम कहें मैं महिमा हूँ, ना, महिमा, महिमा, और महिमा पढ़ रही है, और इसकी जगह हम क्या ये भी कह सकते हैं, मैं पढ़ रही हूँ, या मैं पढ़ा, महिमा पढ़ा रही है, तो महिमा की जगह ये भी कह सकती कि मैं, तो मैं क्या शब्द बना बच्चों, ये भी सर्वनाम बना, और इसको क्या बोलते हैं, अस्मत, क्या बोलते हैं बच्चों, अस्मत बोलते हैं, है ना। और एक होता है मैं, एक होता है तुम, यानी तुम, तुम्हारा नाम है, लेकिन हमने तुम्हारा नाम न लेकर आपको क्या बोला है, तुम, तो युष्मत, ये भी हमारा बच्चों क्या बना, ये भी हमारा सर्वनाम बना, ओके। इस तरह से हमारे पास और भी शब्द आते हैं, जैसे आप, है ना, हम क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा की जगह, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप नहीं हो, आपका नाम है, लेकिन हमने आपका नाम लेकर क्या बोला है, आप, तो भवत, है ना, ये होगा आप, राइट। और जैसे क्लास में, मैदान में बालक खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, बालक खेल रहे हैं बच्चों, बालक खेल रहे हैं, बालक की जगह हमने बालक में लगाकर सभी खेल रहे हैं, तो सभी के लिए क्या होगा, सबके लिए बच्चों क्या लगाएंगे, सर्व, पहले सभी लिखते हैं, और सभी के लिए हमने आपको क्या सिखाया, सर्व। राइट, आगे बात समझ में। और एक होता है जो, जो मैंने आपको बताया था ना, जो वह खेल रहा है, जो वह खेल रहा है उसे खेलना नहीं चाहिए, जो, जो वह खेल रहा है, तो जो के लिए क्या आएगा बच्चों, जो, जो के लिए आएगा यत, क्लियर। अब हमारे ये देखिए, हमने आपको क्या सिखाया बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो सर्वनाम हमारे क्या बने, जैसे सर्वनाम हमारा बना वह, सह, का, कौन, किम, यह, यह दो दो शब्द होते हैं, एतत् और इदम्, मैं, अस्मत्, तुम, युष्मत्, आप, भवत्, और सभी, सर्व, और जो, ठीक है। ये कॉमन हमारे सर्वनाम शब्द हैं जो ज्यादातर आते हैं,
मैं क्लास फिफ्थ और सिक्स के लिए इन्हीं शब्दों इन्हीं सर्वनाम शब्दों को कहूंगी कि इन सर्वनाम शब्दों को रिवाइज कर ले और याद कर ले कि वह को वह है ना। तो अब देखिए, अब ये क्या होता है, वह जो ये जो सारे सर्वनाम शब्द हैं, अब ये सर्वनाम शब्द वह पुल्लिंग के लिए भी आता है, वह स्त्रीलिंग के लिए भी आता है, वह नपुंसकलिंग के लिए भी आता है। अब जैसे कौन, किम, कौन खेल रहा है, कौन खेल रही है, कौन कौन मित्र खेल रहा है, कौन सा मित्र खेल रहा है, तो कौन पुल्लिंग भी है, कौन स्त्रीलिंग भी है, कौन नपुंसकलिंग भी है। इस तरह से ये सारे जो जो भी शब्द होते हैं बच्चे, वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी बनते हैं, राइट। तो इसलिए हमें इन सब का, जिस तरह से मैंने पिछली क्लास में संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन सिखाए थे, उसी प्रकार आज इस क्लास में मैं आपको सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन सिखाऊंगी। बच्चे दो ऐसे ये सर्वनाम है, ये वाले मैं और तुम, ये दो ऐसे सर्वनाम हैं जिनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होते, जिनका पुल्लिंग भी, देखिए पुल्लिंग कोई अगर लड़का होगा वो भी अपने आप को मैं बोलेगा, और लड़की होगी मैं बोलेगी, और नपुंसक लिंग भी मित्र भी नहीं बोलेगा। तो तुम इन दोनों के स्त्रीलिंग लिंग नहीं बनते हैं, है ना, इनके लिंग नहीं होते हैं। इनके लिंग नहीं होते हैं। इसी तरह से युष्मत के भी इनके लिंग नहीं होते हैं, नहीं होते, ठीक है, इनके लिंग नहीं होते हैं। अब आपने कितने लिंग सीखे बच्चों, आपने सीखा पहला लिंग, दूसरा और ये तीसरा, सॉरी लिंग नहीं सर्वनाम, ये तीसरा सर्वनाम, ये चौथा सर्वनाम और ये पांचवा सर्वनाम, इधर आपने सीखा छठा सर्वनाम, ये सातवां और ये आपने आठ सर्वनाम सीखे, क्लियर। तो अब इन्हीं आठों सर्वनाम के मैं आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सिखाऊंगी। जैसे आप सबसे पहले वह, है ना, वह जो होता है इसमें क्या होता है, आपका वह शब्द जो है इसमें हम सिखाएंगे आपको पुल्लिंग, है ना, और इस पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, राइट। अब जैसे पुल्लिंग का, अब हम वह पुल्लिंग, वह को क्या बोलेंगे, आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ बच्चे, वह के पीछे सह, है ना, और तव, जैसे बालक था बालकऊ, है ना, बालक बालकऊ बालकहा, तो सह सऊ सऊ नहीं होता बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, सह सऊ सहा, नहीं सह तऊ ये चेंज आ जाता है कभी कभी, सह तऊ सहा, सॉरी सह तऊ ते, और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, तहा करते हैं, क्यों करते हैं, जैसे बालक बालकऊ बालकहा, नहीं बच्चे ये आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, सहतौ से, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लग जाती है सा और ते, आपको मैंने एक ही मात्रा बताई थी, बालिके ते और तहा, बालिकाहा तहा, क्लियर, आ रही है बात बच्चों समझ में, आप नपुंसक लिंग,
नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग का क्या होता है बच्चे? अब बच्चों ये होता है नपुंसक लिंग सत ते तानी। आपको सिखाया था मैंने कि उसमें ते आता है ना, और आनी आता है, तो ते दोनों में ते ते आया है। देखिए आपने संज्ञा में भी सीखा था कि बालिके और पले, राइट। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप ध्यान करते जाइए और समझते जाइए। वह का आपने सीख लिया। अब हम सेकंड नंबर है कौन। कौन का सिखाते हैं बच्चों? कौन है ना, कौन का हम पुल्लिंग सिखाते हैं। पुल्लिंग, और कौन में जो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग का एक वचन जो होगा कहा, काऊ के, कहा काऊ के, ठीक है। और अब स्त्रीलिंग, बिल्कुल देखिए बच्चों लगभग लगभग एक जैसा मिलता है। वो सह सह ताऊ ते था, और ये कहा काऊ के, और स्त्रीलिंग में आपका आ जाएगा बच्चों, स्त्रीलिंग में का के कहा, कहा के कहा, राइट। अब नेक्स्ट आ जाइए नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में केम के कानी। ये बच्चों आपको याद भी करने पड़ेंगे साथ के साथ, क्योंकि बिना याद के हुए भी हम सीख नहीं सकते हैं। और कौन को क्या बोलते हैं? किम। और ये सह को सह बोलते हैं। राइट, अब आ जाइए तीसरा। अब तीसरे में हम क्या बोलते हैं आपका? तीसरा क्या हुआ आपका? सॉरी, ये जो है आपको एक बात और सिखा दे, ये सह नहीं होता। सॉरी, इधर हमारे पास ये आता है, सह नहीं होता। सह तो पुल्लिंग का होता है और हमारा होता है तत्। ये क्या होता है? तत्। वह का मतलब होता है सह, जो आता है वो पुल्लिंग में आता है ना। और जो नपुंसक लिंग वाला होता है तत्, वो होता है, ठीक है। अब इस तरह से ये भी कौन जो होता है वो किम नपुंसक लिंग का होता है। इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती ताकि आपको आसानी रहे, सबका एक ही जैसा सिस्टम रखे बच्चों, है ना। और ये जो है का किम, राइट। नेक्स्ट आ जाए, देखिए वह का तत्व जो है नपुंसक लिंग का एक वचन होता है, वो मूल शब्द होता है ना। कौन का नपुंसक लिंग किम होता है, वो भी मूल शब्द होता है। ये भी ध्यान रखिएगा ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी बच्चों। नेक्स्ट हमारा हम कौन सा आपको सिखा रहे हैं? यह है, यह में मैंने आपको सिखाया है यह। देखो यह जो है दो तरीके से आता है। एक आता है एतत, और एतत सिखाती हूँ, फिर आपको दूसरा वाला शब्द सिखाऊंगी। एतत के बाद आपको सिखाऊंगी मैं इदम वाला, राइट। तो एतत जो होता है, अब पुल्लिंग, पुल्लिंग बच्चे, पुल्लिंग के लिए क्या होता है एतत का बच्चों? हमारा होता है एषः, एषः एषः एतौ एते। इसमें भी वही सा की तरह से फर्क हो जाता है, सा तौते होता है, इसमें भी एषः होता है, फिर एषौ नहीं होता, एता एषः एतौ एते, राइट। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हमारे पास देखिए एषा, आ की मात्रा, ये एषा में विसर्ग लगेगी, एषा और एते, बिल्कुल कहीं कहीं हमारी देखिए सिमिलरिटी मिल रही है, बहुत एक समानता मिल रही है। एते एते एताहा, है ना।
इसके बाद आ जाइए नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में आप देखिए, नपुंसक लिंग में बच्चों क्या होता है, अब ये ईशा का मैं जरा ये ए सही बना लूं, है ना, ताकि आपको बिल्कुल भी बच्चे दिक्कत नहीं। एक कहा एतहा, अब नपुंसक लिंग में क्या होता है बच्चों, एतद जो होता है वो नपुंसक लिंग का एक वचन होता है, एतद, समझ रहे हैं आप, इधर ध्यान दो। देखिए वह तत् नपुंसक लिंग का मूल शब्द और नपुंसक लिंग का एक वचन एक समान होता है, किम का मूल शब्द और किम का नपुंसक लिंग एक समान होता है, इसी तरह से एतद का मूल शब्द और एतद का नपुंसक लिंग एक समान होता है, एतद, एते, एतानी, एते और ये एतानी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, यह मैंने आपको और सिखाया था, एक या दो बताए थे आपको, क्योंकि दोनों हमारे पास आते हैं बच्चों और हमें ये सीखने पड़ते हैं, यह है। और यह का जो हमारा दूसरा आएगा वो होता है इदम, इदम। अब इसका पुल्लिंग चलते हैं हम आगे, इसका पुल्लिंग लिखते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग में बच्चों क्या होता है आपका, आयाम और फिर हमारे पास आता है इमऊ, आयाम इमऊ इमे, आयाम इमऊ इमे, याद करने पड़ेंगे ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, पुल्लिंग की आयाम इमऊ इमे और नपुंसक, ये सॉरी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का बच्चों होता है हमारा इयाम, इयाम इमऊ, सॉरी हाँ इयाम इमे, इमे इमे सॉरी इमे इमहा, इमहा। और नपुंसक लिंग होता है नपुंसक लिंग, वही मूल शब्द आ जाता है इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, क्लियर आ रही है बात बच्चों समझ में। आगे चलते हैं हम कौन कौन से कर चुके, इधर देखिए हम ये यह तक के कर चुके हैं, अब मैं के आपको बच्चों सिखा रही हूँ, आपको क्या सिखा रही हूँ, मैं को क्या बोलते हैं, अस्मद, अब इसका अस्मद का बच्चों लिंग नहीं होता है, मैंने आपको ऊपर देखिए लिख के बताया था कि अस्मद और युष्मद इन दोनों के लिंग नहीं होते, तो हमें एक एक ही लिखना है, इसमें कोई लिंग नहीं लिखेंगे, अस्मद का हम लिखेंगे अस्मद का अहम, अहम आवाम, आवाम वयम, एक वचन द्विवचन बहुवचन, अहम आवाम वयम और युष्मद के तुम के, युष्मद के त्वाम, त्वाम युवाम युयम, त्वाम युवाम युयम, क्लियर। अब देखिए ये हम कितने सीख चुके बच्चों, ये पांच हम सीख चुके, राइट। आज हम अब कौन सा करें, आप भवत, है ना, अब आप चलते हैं किसके, आपके, आपके, हमने क्या सिखाया आपको, भवत, इसको क्या बोलते हैं, भवत। अब इसका भवत का पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग का क्या होगा, भवान,
भवन्तौ भवान भवन्तौ भवन्तः भवन्तः। स्त्रीलिंग का बच्चों होगा, स्त्रीलिंग का है ना, भवती भवत्यौ भवती भवत्यौ भवत्यः भवती भवत्यौ भवत्यः। स्त्रीलिंग है ना। अब नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग भाई होगा भवत, वही मूल शब्द ले लेंगे, आपको बार बार वही मूल शब्द आ रहा है, भवत भवती। देखिए ये भवती स्त्रीलिंग का एक वचन और नपुंसक लिंग का द्विवचन कहलाता है, और भवंती भवती भवंती। क्लियर, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अब हमारे पास कौन सा शब्द रह गए बाकी, सर्व। अब सभी, सभी के लिए हम करेंगे बच्चों, आगे करते हैं सब। सर्व पहले हम लिखते हैं सब, सब, और इसको बोलते हैं सर्वम। सब इसको बोला जाता है बच्चों सर्वम। है ना, और इसका जो सर्वम होता है वो मूल शब्द होता है। अब इसका पुल्लिंग करेंगे, पुल्लिंग है ना, और पुल्लिंग में क्या होता है बच्चे, सर्वः विसर्ग आ जाते हैं, सर्वौ सर्वाहा, सॉरी सर्वानि सर्वे सर्वे। राइट, नेक्स्ट स्त्रीलिंग, सर्वा सर्वे सर्वाहा। सर्वाहा और नपुंसक लिंग, सर्वम सर्वे सर्वाणि है ना, सर्वम सर्वे सर्वाणि। इसको बच्चे ये सर्वम नहीं होता, इसका इधर ध्यान, सर्वम नहीं होता, ये सर्व होता। सब और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, इसमें हमारा चेंज आया है, सर्वम सर्वे सर्वाणि। राइट, हो गया आप मेरी, और ये देखिए सारे कंप्लीट हो गए हमारे, हमने कौन कौन से, अच्छा अभी एक रह गया है, जो जो और रह गया है। अब ये जो जो को बच्चे क्या बोलते हैं, यत यत। तो यत का हमारा पुल्लिंग क्या आएगा, ये पुल्लिंग पुल्लिंग, इसका पुल्लिंग होगा यद, यह यद नहीं सॉरी, यद तो हमारा अः यत या यद बोलते हैं, तो यह। फिर हमारा आएगा यो, ये यह यो ये है ना, और फिर स्त्रीलिंग आएगा हमारा
या जो, ये यहा यहा है ना, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में वही यत आ जाएगा, यत और यत ये यानी। क्लियर? देखिए, अब आपके पास 8 मैंने आपको सर्वनाम सिखाए हैं, जो ज्यादातर क्लास 5th और क्लास 6th के लिए सफिशियंट होते हैं। इतने सर्वनाम से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो जिसमें 8 में पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर हमारा ये, तीसरा ये है, चौथा भी हमारा ये है, पांचवा, छठा, सातवां, आठ और ये नौ। नौ हो गए। अच्छा, ये हमारा एक हो गया, ये समझिए। इधर ध्यान देते हैं, एक पास कितने हैं हमारे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अच्छा, ये हमारा एक तीसरा है, ये तीसरे में दोनों है, और हमने यहाँ पे तीसरा तीसरा, यहाँ तीसरा तीसरा मुझे डालना चाहिए था, तो यहाँ हमारा गलत हो गया। तो हम ये दोनों य के हैं, है ना, नंबर 3 है ना, ये नंबर 4। फिर ये नंबर 5, 5, 6, तो हम करेंगे 5 4 4, और इसके बाद हमारा आएगा बच्चों ये 5 6 7 8। ये आपने 8 सर्वनाम शब्द सीखे, और जो 8 सर्वनाम शब्द सीखे बच्चे, ध्यान दीजिए, मैं आपको ये रटने तो पड़ते हैं, इनको तो हमें याद ही करना पड़ता है, पर कभी कहीं कहीं हम आपको आसानी तरीका बता देते हैं। जैसे सब जगह देखिए, स्त्रीलिंग का द्विवचन और नपुंसक लिंग का द्विवचन एक समान हो इमे, देखिए एते एते है ना, इमे इमे है। इसके बाद ये तो ये नहीं हुए, इसका सर्वे सर्वे, ये है ना, इस तरह से। और आपको मैं बताऊं क्या एक समान, देखिए सब में न, इसमें पुल्लिंग में तऊ कऊ, एतऊ इमऊ है ना, भवंतऊ सर्वऊ यऊ है ना। तो ये हमारे इस तरह से आते हैं, सर्वांग सर्वम सर्वे सर्वाणी, ये हमारे इस तरह से आते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो हमारा काम हो जाता है। सर्वा, अब जैसे ज्यादातर देखिए, नपुंसक लिंग में बहुवचन में भवंती सर्वाणी है ना, यानी, और देखिए आगे इधर इधर ये अलग होते हैं बिल्कुल, इमानी एतानी है ना, कानी, इस तरह से हमारे हमें याद करने का आसान तरीका। तो पुल्लिंग में जैसे का विसर्ग ये आते हैं है ना, एष अयम, इसमें अयम इसमें नहीं आते हैं, और इधर आजा भगवान, इधर सर्व है यह, तो और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा आती है। आपने ये सारे शब्द सीखे, अब इसकी इसको आपको रिवाइज करना है, लर्न करना है। अब मैं इनके बाद आपको इनका प्रयोग करना सिखाऊंगी, ओके। तो ये आपको रिवाइज कर लेना है, लर्न कर लेना है, इसका क्लास वर्क तो कुछ भी नहीं होगा, इन्हें आपको याद ही करना होगा। मैंने पूरा ही क्लास वर्क समझा दिया है आपको, सारे शब्द रूप आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये शब्द रूप साथ के साथ रिवाइज भी करते गए होगे, लर्न भी करते गए हो, आपको याद भी होते जाते होंगे। क्लियर? तो बच्चे, आप इस क्लास को आज, इस क्लास के बाद मैं क्लास जो डालूंगी, उससे पहले मैं चाहूंगी कि
कि आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के एक वचन द्विवचन बहुवचन अच्छी तरह से याद कर ले, चाहे वो संज्ञा के शब्द हो चाहे वो सर्वनाम के शब्द हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है ना। संज्ञा के स्थान, संज्ञा क्या है, जो नाम स्थान व्यक्ति वस्तु होते हैं वो संज्ञा होती है, और इसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ओके, दोनों के मैंने दोनों के वचन और लिंग सिखा दिए। अब बच्चे मैं इस क्लास को यहीं पे फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट्स, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं आपको मेरी बात नहीं समझ आई है या कहीं मेरा कोई एरर रह गया है, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू या कांटेक्ट करके मुझे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और याद करिए, और नेक्स्ट क्लास लेकर मैं लेकर आऊंगी। अगर वो नेक्स्ट क्लास जो लेकर आऊंगे, अगर आप इन्हें याद नहीं करेंगे तो आपको वो समझ नहीं आ पाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। तो उसे याद करना आपको बहुत जरूरी है। और ये शब्द कहते हुए मैं क्लास को यहीं फिनिश कर रही हूँ, और अंत में चलते चलते आपसे कहती हूँ बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को भी आप अपने ये इस संस्कृत क्लासेस के बारे में डिस्कस कीजिए और लिंक उन्हें शेयर कीजिए। ओके, तो मैं ये क्लास यहीं पर फिनिश करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास जब तक मेरी आती है तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बेटे।